आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनेकांत जी, वस्तुतः उन्होंने एक विषय चुना साधना की प्रयोगशाला आचार्य विद्यासागर। यदि मैं ये कहूं कि आपका पूरा परिवार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अनन्य भक्त है, डॉक्टर अनेकांत जी को मैं तो ये कहूं कि गर्व से ही जब ये आए तब से इनको संस्कार मिले और आज इन्होंने इतनी सी अल्प वय में जो उपलब्धियां हासिल की है, वस्तुतः उनके नजदीक पहुंचने के लिए आज के जो हमारी पीढ़ी के विद्वान है वो प्रयासरत है कि उनके आसपास पहुंचे। डॉक्टर अनेकांत जी, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जी उनकी माँ एवं उनके पिता डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी वाराणसी, दोनों PhD है। वस्तुतः मैंने ऐसा बहुत कम देखा है लोगों को कि जिनके माता और पिता दोनों डॉक्टरेट उपाधि वाले हो और इतनी अल्प वय में डॉक्टर अनेकांत जी ने हमारे जैन धर्म की जो मूल भाषा रही है प्राकृत भाषा, ऐसी पागत भाषा नामक प्राकृत भाषा की पहली पत्रिका उसके आप मानद संपादक हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं के आप संपादक मंडल के सदस्य हैं। डॉक्टर अनेकांत जी वर्तमान में जैन दर्शन विभाग दर्शन संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में आचार्य एवं अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। डॉक्टर अनेकांत जी को अभी के जो वर्ष हैं इनमें डॉक्टर अनेकांत जी को महर्षि बादरायण व्यास युवा राष्ट्रपति पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, शास्त्री परिषद पुरस्कार, विद्युत परिषद पुरस्कार, कुंद ज्ञानपीठ पुरस्कार, अरहत वचन पुरस्कार, जैन सिद्धांत भास्कर पुरस्कार, युवा वाचस्पति अहिंसा इंटरनेशनल पुरस्कार और दिल्ली सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार इनसे सम्मानित किया जा चुका है और मैंने बहुत सारे नाम गिनाए नहीं है क्योंकि समय अभाव है। और डॉक्टर अनेकांत जी की मौलिक कृतियां वस्तुतः इतनी चर्चित हुई है कि वो समाज को और विद्युत जगत को पठनीय है। षड् दर्शनेषु प्रमाण प्रमेय समुच्चया, ये न्याय का ग्रंथ है, उसके आपने संस्कृत में पांडुलिपि का संपादन किया, संवेद चूड़ामणि उसका संपादन एवं अनुवाद किया, जैन धर्म एक झलक आपकी एक मौलिक कृति है, वस्तुतः बहुत पठनीय कृति है, सत प्ररूपणासार शोधपूर्ण उसका आपने संपादन किया, अहिंसा दर्शन एक अनुचिंतन आपकी मौलिक कृति है, दार्शनिक समन्वय की जैन दृष्टि नयवाद शोध प्रबंध है, प्रवचन सार जो आचार्य कुंद स्वामी के टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के द्वारा है उसका आपने संपादन किया, आपके 70 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुके हैं, आपके लगभग 300 से अधिक लेख कविताएं कहानियां आदि प्रकाशित हो चुकी हैं, आपके एक सर्वाधिक चर्चित कृति है 10 धम्म सारों प्राकृत पद्यानुवाद, ये आपकी मौलिक रचना है, मैंने आज ही देखी थी वो PDF। तो वस्तुतः इतने कम समय में डॉक्टर साहब ने इतनी उपलब्धियां हासिल की है और वो हमारे बीच है और मुझे गौरव होता है कि हम लोग सहपाठी रहे। जब प्रारंभ में हम लोग साथ में थे तो हम लोग छोटे से अनेकांत जी थे, लेकिन वस्तुतः इन्होंने बड़ा काम किया और आज हम सब युवा विद्वानों को गौरव है कि आज हमारे बीच में जो TV पर डिबेट करता है, अनेक धर्मों के प्रतिनिधि बैठते हैं उस पर, दूरदर्शन पे आपकी अनेकों चर्चाएं हम लोगों ने सुनी है, आप अभी जापान में कहां पे जब अनेक धर्मों के अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाया गया था तो उसमें जैन दर्शन का पक्ष रखने के लिए अनेकांत जी गए थे। वस्तुतः ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है। मैं अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब से आग्रह कर रहा हूं कि वो साधना की प्रयोगशाला आचार्य विद्यासागर जी इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें और हम सबको आचार्य श्री के उन पहलुओं से अवगत कराएं जो आपने आचार्य श्री में देखे हैं। डॉक्टर अनेकांत जी, अनंत धर्मस्तत्वम पश्यंती प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति
सत्यमेव प्रकाशिताम् धम्मो मंगल मुक्किट्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामडो जस्य धम्मे सयामडो। एक मंगलाचरण पूज्य आचार्य श्री के प्रति नमन करते हुए निवेदित कर रहा हूं। डेढ़ा तिथे तवियो सयमो बिज्जा साराणम रागो विसुणई धम्मम जम देशणा अड़ेयंत पवयणम। नैनागिर तीर्थ क्षेत्र के विषय में जब कुछ लिखने का अवसर आया तब मुझे एक सहज संस्मरण उभर कर आया। पूज्य आचार्य श्री जब नैनागिर में विराज रहे थे, मैं इस मंगलाचरण का अर्थ आपको बताना चाहता हूं। रेणा तिथे तवियो, नैनागिर तीर्थ पर तपस्या करने वाले सयणमो विद्या साराणम, उन आचार्य विद्यासागर मुनिराज को मैं नमन करता हूं, मेरा सतत नमस्कार है। रागो भी सुणई धम्मम जम देशणा अड़ेयंत पवेणम, जिनकी अनेकांतमयी पीयूष देशना सुनने के लिए सर्प भी बड़े भक्ति पूर्वक वहां आते थे, ऐसे पूज्य आचार्य श्री को मेरा सतत नमस्कार है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील जी, इस व्याख्यान माला के संयोजक हमारे अग्रज भ्राता पंडित श्री प्रद्युम्न शास्त्री जी और समस्त पदाधिकारी गण जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को यहाँ पर उपस्थित किया है, और हमारे सामने इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रत्येक दिन एक व्याख्यान माला के माध्यम से आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी बात, जैसा कि हमारे अग्रज पंडित प्रद्युम शास्त्री जी ने कहा, मैंने आज अपना एक विषय रखा कि मैं आचार्य श्री के व्यक्तित्व कर्तित्व पर क्या बात कहूं। इतने दिन से आप व्याख्यान सुन रहे होंगे, उनका पूरा जीवन परिचय भी आपके ख्याल में आ गया होगा निश्चित रूप से। अलग अलग पक्ष पर विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही होंगी। मैं आप लोगों से कुछ और बात करना चाहता हूं। मैंने अपने अनुभव से जो जाना है, जैसा हमारे प्रद्युम जी कह रहे थे कि मेरा पूरा परिवार आचार्य श्री का भक्त है, मैं आपको हृदय से एक बात बताना चाहता हूं। बहुत बाल्यकाल से, जब से होश संभाला है, हमने चाहे हमारे दादा दादी हों, दलपतपुर में मेरे दादा दादी रहते थे और मेरे नाना नानी दमोह में रहते थे, हमने बचपन से ही यदि आचार्य के नाम पर किसी को जाना तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को जाना। हर घर में उनकी तस्वीर, हर जुबां पर उनका नाम। और उस समय जब हम लोग ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, तब हमें ऐसा लगता था कि ये कोई ईश्वर हैं, ये कोई भगवान हैं, कि लोग इतनी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। और मैं तो बहुत सालों तक यही समझता रहा कि एकमात्र आचार्य यही है दुनिया में और कोई है ही नहीं। बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि
अन्य परंपराओं में भी आचार्य हैं, अनेक संघ हैं, अनेक आचार्य होते हैं दिगंबर परंपरा में, ये बहुत समय बाद समझ में आया। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो हमारे कुल गुरु जैसे हैं, कि हमारे पूरी परंपरा, हमारे पूरे खानदान, पूरे हमारे वंश सबके एक तरह से वो हमारे कुल गुरु है और हम लोग उसी रूप में उनका उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं। मैंने आरंभ से ही जो देखा है जिस दृष्टि से, मैं मानता हूं कि आचार्य श्री एक साधना की पाठशाला है, एक साधना की प्रयोगशाला है। कोई व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर लोग प्रयोग करते हैं, जीवन के अलग अलग अनुभवों को लेते हैं, तो यदि किसी को साधना का प्रयोग सीखना है तो जैसे हम लोग अन्य विषयों को पढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन यदि हमें साधना का ज्ञान प्राप्त करना है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं, हेलो, यदि मुझे साधना का ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर चलना सीखना है कि कैसे चला जाता है, तो ऐसा एक विश्वविद्यालय पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने खोला कि आप साधना का प्रयोग हमारे विश्वविद्यालय में आकर कर सकते, और ये तो सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, जहां कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अनेक लोग आते हैं और आचार्य श्री ने हमको जो सिखाया है, कविवर दौलत राम जी जैसे छैडाला में कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। यहां सीख शब्द पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सीख का अर्थ है शिक्षा। कौन सी शिक्षा? स्वयं साक्षात मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आचार्य हमारे ऊपर करुणा करके हमें कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? हमें ऐसा क्या सिखाना चाहते हैं जो सब कुछ सीखने के बाद भी आज तक हम सीख नहीं पाए, कुछ कमी हमारे जीवन में रह गई है, और वो कैसे सिखाएंगे, कौन सा तरीका है? एक ऐसा व्यक्तित्व, वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। कभी वो कुछ कहकर सिखाते हैं, कभी कुछ बिना कहे सिखाते हैं, और कभी कुछ करके सिखाते हैं, और बहुत कुछ बिना किए ही सिखा देते हैं। कभी मौन, उनका मौन भी प्रवचन होता है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। आपको कभी किसी विषय पर शंका हो और हम उनके समक्ष पहुंच जाएं, मैं ये निवेदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में कुछ ऐसा वातावरण हमारी जैन परंपरा में भी, दिगंबर परंपरा में हो गया है कि हम लोग बहुत ज्यादा मताग्रह से ग्रसित हो गए और बहुत ज्यादा आग्रही बन गए। मैं तो हमारे जो युवा भाई, युवा विद्वान हैं, हमारे जो जैन नई युवा पीढ़ी है, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि यह भव, ये जो मनुष्य भव हमको मिला है, ये भव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी पंथ या संप्रदाय का पोषण करने के लिए नहीं मिला। अगर हम इनके पोषण में, उनके तर्क वितर्क में अपने जीवन को, इस मनुष्य भव को गवा देंगे, तो निश्चित रूप से हम कुछ बहुत अपना दुर्लभ मनुष्य भव का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमको सब तरफ से सीखना है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। और हम इस चीज को अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से हम एक विशाल दृष्टिकोण अपने जैन धर्म के प्रति दे पाएंगे, अपना भी कल्याण कर पाएंगे और दूसरे का भी कल्याण कर पाएंगे। उनका पूरा जीवन पाठशाला है। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है,
कोई कहता था आपका क्या संदेश है, तो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश, क्योंकि मैं सत्य के साथ प्रयोग करता हूँ। तो मैं कहता हूँ आचार्य श्री साधना के साथ प्रयोग करते हैं, सत्य की साधना के साथ प्रयोग करते हैं। और उनका अलग से कोई दर्शन नहीं है, उनका जीवन ही उनका दर्शन। अगर आपको उनका दर्शन पढ़ना हो तो सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ने को मिलेगा, आपको उनको साक्षात देखना पड़ेगा, उनका साक्षात अनुभव करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि हम किसी कारण से, किसी पंथ के आग्रह से, या कोई, देखिए हमको एक तो आग्रह बुद्धि बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए आज के परिवेश में। दूसरी बात, हमें, मैं तो कहता हूं हमें सत्याग्रही भी नहीं होना चाहिए, हमें सत्यग्राही होना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। और वो जहां से भी मिले, मेरा तो कुछ ऐसा सौभाग्य रहा कि बचपन से ही मैंने पूज्य आचार्य श्री के दर्शन किए, और मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी पूज्य आचार्य फूलचंद जैन प्रेमी जी, उन्होंने मुझे बचपन से, वो उनके सानिध्य में जाते थे, वाचनाओं में जाते थे, तो मुझे ले जाते थे। मुझे स्मरण है, मैं एक छोटा सा दृष्टांत इसलिए देना चाहता हूँ, पपोरा जी में चातुर्मास हो रहा था, बहुत मुझे सन भी याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था, तो उनको आहार देने का मेरा भाव हुआ और मैं भी पड़गाने के लिए वहां अपने पिताजी के साथ खड़ा हो गया किसी चौके में। और हमारा कोई पुण्य का शातिशय पुण्य का उदय था कि हमारे ही चौके में पूज्य आचार्य श्री पधारे और हमने उनको आहार दिया। तो जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि आहार जिससे लेते हैं उससे कोई नियम दिलवाते हैं, तो आचार्य श्री तो मौन थे, लेकिन उनके आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग है? तो मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप रात्रि भोजन का त्याग का नियम लो, तब आचार्य श्री को आहार दे सकते हो। तो मैं उतना समझता नहीं था, बहुत छोटा था, तो मैंने कहा ठीक है मेरे रात्रि भोजन का त्याग, क्योंकि मुझे आहार देना था, उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार था। तो मैंने कहा मेरे रात्रि भोजन का त्याग, तब भी आचार्य श्री तैयार नहीं हुए आहार लेने के लिए। और उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से, उनकी आंखों में वो वात्सल्य था, उन्होंने इशारे से मुझसे कहा, ऐसे एक उंगली की, माने मैंने जीवन भर के लिए रात्रि भोजन के त्याग की बात कही थी, लेकिन वो उनको स्वीकार नहीं थी, एक छोटा सा बच्चा, उन्होंने एक किया, एक महीने के लिए त्याग करो, अभ्यास करो। इसलिए मैं कहता हूं कि वो एक साधना की प्रयोगशाला है। किस तरह से एक बालक को जैन धर्म की शिक्षा देनी है, उसका प्रयोग सिखाना है, व्रतों का प्रयोग सिखाना है, वो भली भांति जानते हैं। मैं पूरे जीवन के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक महीने के लिए, ऐसे उंगली की। तो मैं, लोगों ने अर्थ बताया कि एक महीने के लिए कहना है, तो मैंने कहा मेरा एक महीने का रात्रि भोजन का त्याग है। और बड़े मैंने उत्साह से मैंने उस दिन आहार दिया और मैंने अपने आप को धन्य अनुभव किया। ये एक परंपरा, मैंने पूरे संघ को बहुत करीब से जाना उन दिनों में और मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं श्वेतांबर तेरा पंथ की परंपरा में भी रहा और वहां आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के दर्शन को पढ़ा, वहां की एक अलग शैली थी, उसको भी जाना देखा। फिर मैं दिल्ली आया तो परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सानिध्य में मुझे रहने का सौभाग्य मिला और मैं लगभग 20 वर्षों तक, आज एक बहुत बड़ा संयोग भी है कि आज 22 सितंबर है और आज के दिन पूज्य आचार्य विद्यानंद मुनिराज जी की समाधि विगत वर्ष हुई थी, तो आज उनके समाधि दिवस पर भी आज हम लोगों ने उनको स्मरण किया है, उनके गुणों को स्मरण किया है कि कौन सी उनकी विशेषताएं थी और हमें उनके किन मार्गों पर चलना चाहिए। 2 दिन से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, 2 दिन से वेबिनार चल रहा है, आज मैं उनको भी स्मरण करता हूं, उनसे भी मुझे सीखने को मिला। मैं आरिका सुपार्श्वमती माता जी के सानिध्य में रहा, उनसे मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, तो वहां से भी मैंने सीखा। मैं जयपुर में था तो मुझे
डॉक्टर हुकुमचंद भारेल जी के सानिध्य में, आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में रहकर शास्त्र सीखने को मिले। मैं दिगंबर जैन कॉलेज गया तो मैंने डॉक्टर शीतल चंद जी प्राचार्य गुरु जी उनके सानिध्य में सीखने को मिला। और मैं ये बड़े दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि एक पता नहीं कौन इस तरह के वातावरण को जन्म देता है। जब पूज्य मुनि सुधा सागर महाराज जी का चातुर्मास यहाँ नशिया जी में हो रहा था, मैं उन दिनों उनके प्रवचन सुनने जाता था और संगोष्ठियों में जाता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे गुरुजी डॉक्टर हुकुमचंद भारेल जी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वहां क्यों जाते हो या नहीं जाना चाहिए या कभी किसी की निंदा करनी चाहिए, इस तरह की शिक्षा उन्होंने कभी नहीं दी, अपितु वो प्रोत्साहित करते थे कि जा करके सीखो, विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करो, जो गुण है उन सबसे ग्रहण करो, और इस तरह की प्रेरणा देते थे। लेकिन मैं देखता हूं आजकल पता नहीं किस तरह का वातावरण लोग बनाते चले जा रहे हैं कि आज कुछ भी कहना सुनना भी एक तरह से समस्याग्रस्त हो गया है। एक बड़ा सौहार्द का वातावरण, एक प्रेरणात्मक वातावरण, और आचार्य श्री की तो बात मैं क्या कहूं, उनका हर वाक्य, अगर उनसे एक एक शब्द का भी अर्थ आप समझेंगे, उनके प्रवचन को समझना बहुत कठिन। मैं आज एक तिलोय पन्नति की गाथा आपको सुनाना चाहता हूं, उसमें आचार्य के गुण लिखे हैं। पंच महव्य तुंगा तक्कालिये सपर समय सुध धारा उड़ाणा गुणगण भरिया आयरिया मम पसीदंत। ये आचार्य का गुण तिलोय पंडित मिले कि जो पंच महाव्रतों से समुन्नत हैं और तत्कालीन स्वसमय और परसमय रूप श्रुत के ज्ञाता हैं। आप ये देखिए, स्वसमय के भी ज्ञाता हैं और परसमय के भी ज्ञाता हैं, ये आचार्य का गुण है। आचार्य अपनी आत्मा को भी जानते हैं और पर द्रव्यों को भी जान। स्वसमय का एक अर्थ यह भी होता है कि अपने मत को, अपने सिद्धांत को भी जानते हैं और पर सिद्धांतों को भी जानते हैं, दूसरे दर्शनों को भी जानते हैं, इतर पंथ को भी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। एक गुण और श्रवण सुत्तम में लिखा है, ससमय पर समय व्यू गंभीरो दित्तिमम शिवो सोमो गुणसय कलियो जुत्तो पवेण सारम परी कहे। कह रहे हैं कि ससमय पर समय व्यू, जो स्वसमय और पर समय का ज्ञाता है। देखिए आचार्य के लक्षण में हर जगह इस बात को लिखा जा रहा है, जो सिर्फ अपने सिद्धांतों को नहीं बल्कि पर सिद्धांतों को भी जानता है, जो सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं पर पदार्थों को भी जानता है। आत्मा को जानना और पर पदार्थों को जानना, उनसे भेद विज्ञान की दृष्टि जो रखता है, और जो गंभीर है, जो दीप्तिमान है, कल्याणकारी है और सौम्य है तथा अनेक सैकड़ों गुणों से युक्त है, वही निर्ग्रंथ प्रवचन के सार को कहने का अधिकारी है। ऐसा ऐसा उन्होंने हमको निर्देश दिया। और आप बताइए, मैं जब इन गुणों को देखता हूं तो इनमें एक एक लक्षण मुझे आचार्य श्री में घटित नजर आते हैं। वे जितना स्वसिद्धांत को जानते हैं उतना ही पर सिद्धांतों को भी जानते और उनका सम्मान भी करते हैं, उनका उनका आदर देते हैं, जो जिस आदर योग्य है उसको आदर देते हैं, और गंभीर हैं, गंभीरता से अपनी बात को कहते हैं। मैंने आज तक आचार्य श्री के मुख से एक शब्द कभी भी किसी के प्रति अवहेलना का, निंदा का कभी नहीं सुना। आचार्य श्री से हमने क्या सीखा है, वही मैं कहता हूं। आचार्य विद्यानंद मुनिराज जी के मुख से कभी मैंने कभी हल्कापन उन्हें प्रवचन में नहीं आने दिया, हमेशा शास्त्रों के उद्धरण देकर बात कही, गंभीरता से बात कही, क्योंकि शास्त्र का प्रवचन कर रहे हैं, एक पंच परमेष्ठी में उनको स्थान प्राप्त है, आचार्य परमेष्ठी है, वो हल्की बात कैसे कह सकते। तो
ऐसा आचार्य पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी जिस गंभीरता से तत्व का प्रतिपादन करते हैं वो गुण भी उनके अंदर विद्यमान है, सौम्य भी हैं और अन्य कल्याणकारी भावना रखते हैं, दीप्तिमान उनका जो व्यक्तित्व है जिसको देखते ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, उनकी साधना का प्रभाव उनके मुखमंडल पर दिखलाई देता है, ऐसा जो देखते ही लोग प्रभावित हो जाते हैं उनके चरणों में, तो कुछ तो उनके अंदर ऐसा होगा। और मैं मानता हूं कि जो ये सोचते हैं कि कैसे हम करें, मैं उनसे कहता हूं आप एक बार जिसके विषय में भी आपके मन में शंका है उसके आप दर्शन करने चले जाओ, आप उनके एक बार उसके सानिध्य में बैठ कर तो देखो। ये प्रयोग मैंने किया है, मुझे जिनके बारे में मैं खूब सुनता था मैं उनके पास जाकर के बैठ जा, मैं सुनो तो सही। एक आपको बताऊं, एक बार एक विश्वविद्यालय में डिबेट हो रही थी तो एक लड़का गांधी जी के बारे में बहुत आलोचना कर रहा था, गांधी ने ये किया, गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, ये वो ऐसे बोल रहा था एक विद्यार्थी, बहुत तेजस्वी वक्ता था। मैंने जब कार्यक्रम हो गया मैंने उसको अपने पास बुलाया और मैंने पूछा तुम भाषण बहुत अच्छा देते हो, मुझे एक बात बताओ तुमने गांधी जी का कौन सा साहित्य पढ़ा है, कौन सी किताब गांधी जी की पढ़ी। वो गांधी जी की किताब के नाम तक नहीं बता पाए। तो मैंने कहा तुम कैसे आलोचक हो, तुमने गांधी को पढ़ा नहीं और गांधी की आलोचना कर रहे हो। आप अगर गांधी को पढ़ लेंगे तो आप गांधी हो जाएंगे, आप उनकी आलोचना कर ही नहीं सकते। तो आलोचना करने का अधिकार आपको किसने दिया जब आप उनको जानते ही नहीं और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक प्रयोग है और उनका जीवन एक प्रयोगशाला है, साधना की प्रयोगशाला है, उसमें अनेक लोग आते हैं और उस प्रयोग को करते हैं, सीखते हैं, अपना मोक्ष मार्ग सिद्ध करते हैं। और उनकी जो प्रेरणा है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे नए नए युवा साथी हैं, विद्वान हैं, देखिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये हमने संस्कृत की सूक्ति सुनी है। देखिए आजकल वायरस फैल रहा है, कह रहे हैं संक्रमण, देखिए गुणों का भी संक्रमण होता है, आप गुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण आने लग जाएंगे। और आप जब किसी के सानिध्य में रहते हैं तो सबसे पहला काम है कि हम उनके दोषों को ना देखें, गुणों को देखें, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जैसे अगर किसी वृक्ष के छाया तले हम रह रहे हैं और उसके झुरमुट में से आती हुई धूप ही देखते रहेंगे तो हम छाया सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमको अगर छाया सुख का अनुभव करना है तो हमको पूरे विशाल वृक्ष को ही देखना पड़ेगा, उसके छिद्र बीच में जहां से धूप आती है छोटी छोटी उसको देखेंगे तो आपको धूप ही धूप दिखाई दे। ये हमारे दृष्टिकोण का फर्क पड़ता है। आचार्य श्री ने जो हम लोगों को दिया है व्यक्तिगत रूप से जो दिया है, देखिए जो सामाजिक रूप से दिया है उसकी चर्चा लोगों ने बहुत की है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से दिया है, ऐसे इस धरा पर, पवित्र धरा पर पिछले 50 वर्षों से एक वीतरागी नग्न दिगंबर उन्मुक्त विचरण करने वाले परम तपस्वी स्वानुभवी आचार्य विद्यासागर मुनिराज हैं, जिन्होंने स्वयं के कल्याण के साथ साथ हम जैसे अनेक जीवों को कल्याण के लिए मोक्ष का मार्ग बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है। और संयम ज्ञान की चलती फिरती महापाठशाला है, ऐसे अनोखे आचार्य हैं जो न सिर्फ कवि हैं, साहित्यकार, विभिन्न भाषाओं के वेत्ता, न्याय दर्शन अध्यात्म और सिद्धांत के महापंडित, ज्ञान के क्षेत्र में वो जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे वैराग्य तप और संयम आराधना में है। और मैं आपको बताऊं, आप एक बार सर्वे करके देखना, ऐसा मणि कांचन संयोग आपको बहुत दुर्लभ मिलेगा जहां पर ये सारी चीजें एक जगह मिल। इसलिए उनका महत्व है, लोग ऐसे ही नहीं किसी की आराधना करने लगते हैं। और जैसा अभी हमारे सुनील जी कह रहे थे कि अजैन लोग भी दीवाने होकर के सुनते हैं, आज चले आते हैं, तो एक आभा मंडल, एक प्रभाव है उनकी तपस्या का, ज्ञान की तपस्या का, ज्ञान की साधना। और हम लोग नाम लेते हैं विद्यासागर, वो सिर्फ उनका नाम नहीं है, उनका जीवन है पूरा विद्या का सागर।
वे चलते फिरते एक विशाल विश्वविद्यालय हैं, और वे संयम तप वैराग्य ज्ञान विज्ञान की एक ऐसी नदी हैं जो हजारों लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, और कितने ही भव्य जीव इस नदी में तैरना और तिरना दोनों सीख रहे हैं। इस नदी में कोई दूर से ही देखता है, कोई उसमें तैरने ही घुस जाता है, कोई तिर जाता है, जो उनके शिष्य बन गए जिन्होंने दीक्षा ले ली वो उस नदी में ही डूब गए कि हम तो तैरना सीखेंगे, और हम लोग जो श्रावक हैं गृहस्थ हैं दूर से नदी को देख करके दर्शन कर लेते हैं कि काश हम भी इसमें तैरना और तिरना सीख पाते। इन सब के बाद भी कितने ही लोग उन्हें पढ़कर जानते हैं कि उनको पढ़ लें, उनका साहित्य इतना विशाल है उसको पढ़कर, और कितने लोग उनको सुनकर सीखते हैं, जो वो बोल रहे हैं उसको सुनते हैं कि कैसे हम क्या बात कह रहे हैं, और कितने ही उन्हें देख कर जानते हैं, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो उन्हें जीने की कोशिश करके उन्हें जानने का प्रयास कर स्वयं विद्यासागर होना चाहते हैं कि हम भी जिए, हम भी आए। इन सब के बाद भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नया जानना चाहते हैं, जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं, और जीवन के कल्याण की सच्ची विद्या सीखना चाहते हैं। उन्हें इस सदी के महायोगी दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी के एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। मैं मानता हूँ वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। और मैंने उनकी कुछ कविताएं देखी, मैं एक दो जो छंद, जो छोटे छोटे छंद, हाइकू छंद वो लिखते हैं, एक दो छंद आपको बताता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब देखिए किस तरह से जो व्यक्ति अनुभव में नहीं डूबा होगा वो इस तरह शब्दों को नहीं पिरो पाएगा। एक छोटा सा शब्द एक हाइकू सुनाता हूं। संदेह होगा देह है तो देहाती, विदेह हो जा। अब देखिए ये हाइकू का आप लोगों को नियम मालूम है, बहुत छोटा छोटी छोटी शब्दावली होती है। संदेह होगा देह शब्द का प्रयोग देखे, संदेह होगा देह है तो देहाती, माने हम अगर देह में आ सकते हैं। अब लोग जन व्यवहार की भाषा में देहाती किसको कहते हैं, कहते जो अज्ञानी होता है उसको देहाती बोलते हैं, अरे तो देहाती आदमी कुछ नहीं जानता। अब उन्होंने देखिए देहाती शब्द की कैसी अभिव्यंजना की कि जो देह में आ सकते हैं वो देहाती, देह है तो देहाती। आप देखिए ये अर्थ कभी देहाती का सोचा था, देह है तो देहाती, और फिर कह रहे हैं विदेह हो जा। अब देखिए विदेह क्षेत्र में जाने की बात, और विदेह माने देह से आसक्ति को छोड़ दे, और विदेह का अर्थ है सिद्ध बन जा, बिना देह का बन जा। ये जो भाव है, ये अभिव्यंजना है, वो एक बहुत ही आंतरिक स्तर पर बहुत साधना में और आत्मा में डूबे रहने वाला एक साधक ही इस बात को कह सकता है। एक और दो लाइन आपको बताता हूं। गेय चिपके, कहते हैं गेय चिपके, हम जब ज्ञान गेय को जानता है तो गेय चिपक जाते हैं, तो वो कह रहे हैं गेय चिपके और ज्ञान चिपकता तो स्मृति हो आती, ज्ञान नहीं चिपका, अगर ज्ञान चिपकता तो स्मृति का विषय बन जाता। कितनी चीजें हैं कि हम गेय गेय के रूप में जानते हैं लेकिन वो ज्ञान हम तक नहीं इकट्ठा हो पाता, इसलिए स्मृति का विषय नहीं बन पाता। और ऐसा लगता है कुछ कविताओं को पढ़ के कि वो प्रदर्शन के बहुत समर्थक नहीं है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा निजी प्रकाश, किसी प्रकाशन में क्या कभी दिखा, इतना प्रकाशन होता है लेकिन कभी उसके प्रकाशन में इस आत्मा का प्रकाश दिखाई दिया, ये उनकी पीड़ा है कि लोग प्रकाशन करते हैं प्रदर्शन करते हैं लेकिन उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं आ पाता है। आप इस तरह उनके साहित्य में डूब कर देखिए और उनको पढ़ कर देखिए, उनको दर्शन करके देखिए, उनको जी करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि कोई एक मनुष्य किस तरह सदी का महामानव बन जाता है, साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, मोक्ष मार्ग के माध्यम से। हम सभी लोग पिछले एक हफ्ते से जो ये आचार्य प्रवर के बारे में, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सभी को
धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय डमो जिडाणम, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिकांत जी, और निश्चित रूप से आप हम सबके लिए आपने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, हम लोग आपको अपना एक आदर्श मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत साधना की है, उसका सुरख की साधना की है, और पूज्य आचार्य श्री के प्रति आपका जो श्रद्धा भाव है उसका उसका भी हम लोगों को आपको पुण्य की प्राप्ति से वो सब कुछ प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम तो ऐसा ही जानते हैं कि गुरुओं के आशीर्वाद से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से आपने सब कुछ प्राप्त किया। इसी प्रकार से आप और आगे बढ़े और हम सबके लिए आप गौरव करें, ऐसी मंगल भावना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे छोटे से आग्रह पे आपने स्वीकार कर लिया, तो हम आपके बहुत ही आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।